नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी सौरभ पिंपलकर नाम के शख्स के एक ट्विटर हैंडल से दी गई है। ट्विटर में आपत्तिजनक बातें लिखकर कहा गया है कि शरद पवार का अंजाम भी दाभोलकर वाला होगा। शरद पवार की सुपुत्री और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में पहुंची। सुप्रिया सुले ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मीडिया से संवाद साधते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में इस हादसे की यादें ताजा है। इस रू का पानी वाले दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच कई लोग ऐसे हैं जो अब इस दुर्घटना का शिकार हुए अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हाथ में तस्वीर आंखों में लिए हर अस्पताल के वे चक्कर काट है, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा लगी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में हो रही कई घटनाओं पर अपना बयान दर्ज किया है। उन्होंने ओडिशा बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि कई लोग वहां मर गए, हमारे पीएम भी वहां देखने के लिए पहुंच गए, लेकिन हादसा कैसे हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ओडिशा हादसे के बाद पीएम मोदी ने ओडिशा पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से बातचीत भी की थी। पीएम मोदी ने इस दर्दनाक घटना को लेकर कहा था कि ये असहनीय पीड़ा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। घटना की सीबीआई जांच हो रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के यौन शोषण के मामले में पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। वही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के 15 जून तक जांच पूरी हो जाने के आश्वासन पर पहलवानों ने धरना स्थगित कर दिया था। वहीं इस दौरान एक बड़ा बयान नाबालिग पहलवान के पिता का आया है, जिसमें वो बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप से मुकर गए हैं। वहीं अब इसको लेकर पहली बार बृजभूषण सिंह का पक्ष भी सामने आया है। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पर रिश्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 रही है। बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर आज एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। इस फिल्म के लिए लोगों का प्यार अलग ही लेवल का है। सनी देओल के लिए उनके फैंस की दीवानगी भी किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान जाकर अपनी सकीना के लिए लड़ना और हेडपंप उखाड़ देना, ये सब एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। ओडिशा के बालासोर के जख्मों के बीच भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिससे रेलवे को कुछ राहत मिली है, क्योंकि कोरोमंडल ट्रेन हादसे में रेलवे को काफी नुकसान भी हुआ। वहीं हादसे में कई लोगों की मौत भी हुई। इसी बीच रेलवे की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें रेलवे ने मई महीने में ही माल ढुलाई से 14,642 करोड़ की कमाई की है। 2,000 रुपए की नोट बदली शुरू हुए करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया। ऐसे में बैंकों में अब तक करीब 50% 2,000 के नोट पहुंच गए हैं। जब से नोट बदली की प्रक्रिया शुरू है, तब से लोग भर भर कर नोट बैंकों में ला रहे हैं और उसे जमा कर रहे हैं या बदलवा रहे हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि करीब 1.80 लाख करोड़ 2,000 के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को एक जच्चा बच्चा अस्पताल में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर वक्त रहते पहुंचे दमकल सेवा के जवानों ने 20 नवजात शिशु को सुरक्षित बचा लिया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। घटना गुरुवार देर रात वैशाली कॉलोनी में मौजूद अस्पताल में घटी। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू ने खुद के भी धर्मांतरण की झूठी कहानी सुनाकर नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया और उनका ब्रेन वॉश किया। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। अन्य खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ में NBCN न्यूज पर। नमस्कार।